मंच बनाने का निकलता जी ना मेरा लगरी कोई आज तक। और फिर तो मैं मजबूरी में बच्चे बनते जी, इस वजह से मजबूरी में करना पड़ेगा। बच्चे कहाँ बनते? बच्चे बंद हो रहे जी मेरे। अच्छा, जेल में ही इसी काम में गए हो भी? हाँ, एक ने पकड़वा दिए। और तो तुम चिनाई का काम कर रहे? अच्छा, तुम कारीगरी हो इसके? हूँ मैं पहले से, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। कभी भाई के टाइम में 30-35 साल पहले जब कराते रहो करनी मैंने। तो 30 साल पहले जेल भी गए थे? नहीं, तब नहीं गए थे। मैं इस काम में गया नहीं, मैं करता ही नहीं सर। तो पुलिस तो कह रही थी दो बार 25 में गया नहीं, जैसे अपने पास से पुलिस ने लगा के भेज दिया। कौन से थाने से गए थे? बुढ़ाने से। और जो साथी है, किसने, कौन लेकर आया था तुम्हें यहाँ पे तमंचे बनवाने के लिए? ये लेकर आया था। क्या नाम है इसका? इस्लाम। क्या क्या के लेकर आया था? तो चलो भाई, तेरे बच्चों को छुड़वा दे, मैं गया जमानत पर, लेकिन दो पैसे कमा ले भाई, पढ़ ले। कितने रुपये पर तमंचे तय हुआ था तुम्हारा? 600-700 रुपये एक तमंचे के। कितने बना देते, कितने दिनों से लग रहे थे? ऐसे बनाए थे 25-26 बना दिए। शामली की कोतवाली थाना पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर छापेमारी करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस शस्त्र फैक्ट्री से भारी मात्रा में अवैध असलाह व कारतूस बरामद हुए हैं। इस शस्त्र फैक्ट्री से पुलिस को कुल 21 बने हुए अवैध तमंचे, करीब 15 अधबने तमंचे, भारी मात्रा में जिंदा व खोखा कारतूस और वेल्डिंग मशीन, ड्रिल मशीन तथा अन्य उपकरण जो ये अवैध असलाह बनाने के काम में लाते थे, वो पुलिस ने वहां से बरामद किए हैं। इन चारों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी है, पूर्व में भी गंभीर धाराओं में आर्म्स एक्ट में ये जेल जा चुके हैं। इन चारों अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।